जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्रों ने एक बार फिर खेल स्पर्धाओं में सफलता का परचम लहराया है। हाल ही में बैतूल में हुई संभागीय स्पर्धा में हॉकी और खो खो में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है। सोमवार को राष्ट्रीय स्पर्धा में चयनित हुए खिलाड़ी भोपाल में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय कैंप में शामिल होने पहुंचे। इन्हें सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने शुभकामनाएं देकर रवाना किया। आयुक्त आर्य ने बताया कि जिले में हर विधाओं के खिलाड़ी हैं, जिनकी प्रतिभा में निखार के लिए विभाग समय समय पर प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें मंच उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि आज जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल से विभाग और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल अधिकारी अश्विन गुप्ता ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले की टीम ने 3-1, 4-0 और 3-0 से परास्त करते हुए एक तरफा जीत हासिल कर जिले का परचम लहराया। आज विजेता दल द्वारा प्रदेश से प्राप्त ट्रॉफी जिले के सहायक आयुक्त को प्रदान की गई। उक्त दल के विजेता होने पर सहायक आयुक्त ने मेडल पहनाकर जिले के 9 छात्र हॉकी और 1 छात्र को आगामी स्पर्धाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं देकर रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। खरगोन जिले के बच्चे अब खेल में भी आगे निकल रहे हैं और विभिन्न विधाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। अभी खरगोन जिले के ये बच्चे हॉकी में उन्होंने स्टेट लेवल पर खेल कर नेशनल में उनका चयन हो गया है और ये अब भोपाल में 10 दिन के कैंप के पश्चात नेशनल लेवल के जहाँ गेम्स होंगे मैसूर में, वहाँ अपना पार्टिसिपेट करेंगे। खरगोन जिले के 9 बच्चों का चयन हुआ है और 1 हॉकी में चयन हुआ है। 10 लोग खो खो सॉरी और ये 10 लोग यहाँ से नेशनल खेलने के लिए मैसूर जाएंगे। जिले के लिए आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन और कार्यविधि के अनुसार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर जा रहे हैं, विभिन्न खेलों में गए हैं। अभी एकलव्य EMRS संस्था के द्वारा स्टेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमारी टीम ने पूरे खरगोन जिले की टीम थी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की, उसने वहाँ तीनों पूरे प्रदेश को हराकर 4-0, 3-1, 4-1, 4-0 और 3-0 ऐसे उनको पराजित कर उसके पश्चात वहाँ से हमने गोल्ड उठाया स्टेट लेवल पर। वही स्टेट लेवल के गोल्ड का जो हमें मोमेंटो में शील्ड मिली है, ट्रॉफी मिली है, वो ट्रॉफी हम आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय को प्रदान करने आए थे। उसके साथ ही 15 में से 9 बच्चे हमारे खरगोन जिले के चयनित हुए नेशनल के लिए। 1 खो खो में चयनित हुआ है। ये बच्चे आज जो साईक सेंटर है भोपाल में, वहाँ से इनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद ये बच्चे वहाँ से मैसूर जाएंगे, जहाँ 1 AMRS का नेशनल स्पोर्ट्स मीट होगी। आज सर सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा शुभकामनाएं इनको प्रेषित की गई कि अच्छा खेले और अच्छा प्रयास करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।